शहनाज गिल से जब जब जो जो मिलता है वो सना का दीवाना हो जाता है। सना की जेन्युइननेस का, सना के एटीट्यूड का। वेल बता दें कि आज हमारी खास बातचीत हुई मुझसे शादी करोगी की कंटेस्टेंट शिवानी झा से। हमने जब शिवानी से ये पूछा कि क्या घर के अंदर शहनाज ने कभी स्टारडम का एटीट्यूड दिखाया, तो शिवानी ने क्या कहा जरा सुनिए। सुनिए कि सभी सवालों के शिवानी झा ने किस तरह दिए जवाब। तो चलिए शिवानी, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मेरा यही होगा कि मुझसे शादी करोगे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे शो के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए? जब मैंने शो में एंटर किया था तो आई डिडंट हैव मच टाइम टू एनालाइज द थिंग कि मैं शो में जाने वाली हूँ। दो दिन पहले मुझे पता चला था कि मैं शो कर रही हूँ, तो आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द सेम। और ये अंदर जाते टाइम मैंने कुछ सोचा नहीं था कि अंदर शो में क्या होने वाला है, हाउ इज गोइंग टू बी एंड क्या एक्सपीरियंस होगा। बट एक्सपीरियंस बहुत छोटा था, स्वीट था, शॉर्ट एंड स्वीट बोल सकते हैं हमसे। बहुत अच्छी चीजें सीखी मैंने, घर में खाना बनाना सीख लिया। और बाहर आते ही मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे और मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे बहुत लोगों के। तो माई वर्ल्ड चेंज लाइक अपसाइड डाउन टर्न हो गया था, टर्न हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब सब थोड़ा डिप्रेस है, घर रह के बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, वहाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे जितने लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं अब तक वो सब मुझे बहुत खुश रख रहे थे। तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा चेंज आया मेरी लाइफ में। शिवानी, जब शो के अंदर आपने एंटर किया था तो आप पारस में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखी थी, तो वो क्या वो इंटरेस्ट जेन्युइन था या वो शो का हिस्सा था? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो हम मैं पोर्ट्रे करूँ किसी के कहने पे या कुछ करने पे। तो मेरा जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स पारस वो बहुत जेन्युइन था। मैं खुद यही सोच के गई थी अंदर कि मुझे उनसे दोस्ती करनी है बिकॉज मुझे उनकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन वो पसंद है। तो ऐसा कुछ मेड अप नहीं था, कुछ थॉट ऑफ नहीं था दिमाग में, कुछ बना के नहीं गई थी अंदर। जितना नेचुरल मेरे अंदर फीलिंग थी उनके लिए कि मुझे उनसे दोस्ती करनी है और मैं दोस्ती करूँगी, वो मैं शायद करके आ गई थी। लेकिन शिवानी, शो में आप पारस के लिए गई थी मगर पारस से ज़्यादा आपकी बॉन्ड शहनाज के साथ पसंद की गई। लोगों ने आपको आपको शहनाज का बहुत अच्छा दोस्त माना और आपको बेशुमार शहनाजियंस ने प्यार दिया, इस पर आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ इस चीज़ से कि शहनाजियंस ने मुझे वो प्यार दिया, क्योंकि मैंने जितना भी टाइम शहनाज के साथ बिताया घर में बहुत अच्छा बिताया, बहुत मस्ती करके बिताया और बहुत क्वालिटी मोमेंट्स बिताए हमने साथ में। मैंने पारस के साथ भी बहुत अच्छे टाइम बिताए, बट पारस के साथ एक लड़कियों में जो बॉन्ड बनता है वो पारस के साथ तो नहीं बन पाता मेरा, तो शहनाज के साथ वो बॉन्ड चबी मस्ती खोर वो वाला बॉन्ड एक बन गया था। और वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने उस चीज़ को भी नोटिस किया और बहुत प्यार दिया मुझे इसके लिए, तो आई वाज रियली हैप्पी विद दैट। शिवानी, वैसे तो जब नवदीश घर में गई थी तो उन्होंने खुद को फेक शहनाज कहा था, लेकिन आप जैसे क्यूट क्यूट चीज़ें करती थी, जैसे आप शरारतें करती थी, तो आपको लोग दूसरी शहनाज के तौर पे देख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आपकी वीडियोस पे ऐसा कमेंट भी किया है कि ये बिल्कुल शहनाज के जैसी है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मैं किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकती हूँ, मैं शहनाज नहीं बन सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने मुझे कहा कि आप मतलब हम आपको शहनाज की तरह देखते हैं, और मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप शहनाज जैसे नहीं हो बट यू आर द सेकंड पर्सन दैट वी लाइक, क्योंकि आप बहुत क्यूट हो और जेन्युइन हो। और मुझे ये लगता है कि शहनाज को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने जैसी है, वो चीज़ वो दुनिया को दिखाती है जैसी वो खुद है, उसे कुछ और पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। और जब मुझे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आप शहनाज जैसे हो, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं भी अपने आप को मैं जैसी हूँ वो ही दिखा रही थी लोगों को, और दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, वो ही दिख रहा था लोगों को। और वो चीज़ लोगों ने नोटिस किया, वो चीज़ देख के मुझे अप्रिशिएट किया, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं हमेशा ही चाहती थी कि लोग मुझे मेरी मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद करें, और वो अल्टीमेटली वही हुआ। तो आई एम रियली हैप्पी कि लोग मुझे शहनाज से कंपेयर करते हैं क्योंकि शहनाज एक जेन्युइन इंसान है, और अगर लोग उस कंपैरिजन में मुझे जेन्युइन बोल रहे हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। शिवानी, क्योंकि अभी शहनाज की बात हो रही है तो सोशल मीडिया पे ऐसा इशू भी उठा था कि शहनाज काफ़ी घमंडी है, मतलब हिंदुस्तानी भाव ने शहनाज को घमंडी कह दिया था। आप शहनाज के साथ घर में वक्त बिता के आई, आपको लगता है कि कहीं पर शहनाज ने अपने स्टारडम का पर एटीट्यूड दिखाया हो या कभी उन्हें घमंड आया हो?
नहीं बिल्कुल नहीं, जितने दिन मैं घर में थी और जितना मैं उनको जान पाई हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज वेरी वेरी हैप्पी, शी इज अ हैप्पी पर्सन. तो वो किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती है. और ऐसा एटीट्यूड एक इंसान जो खुद बनता है ना अपने अपने बलबूते पे, ना कुछ बिना दिखाए नेचुरली जो बनता है उसे एटीट्यूड कभी नहीं आ सकता. तो उनमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है. जहाँ तक मैं उनके साथ घर में थी और मैंने उनको जाना है, क्योंकि हम बाहर से जितना देखेंगे हम जज कर सकते हैं एक इंसान को, बट जान नहीं सकते. तो मैंने उनको जाना है, मैंने जज नहीं किया. तो जितना दिन भी मैंने उनको जाना है, आई थिंक शी इज द मोस्ट जेन्युइन पर्सन. शहनाज के अलावा, शहनाज के अलावा घर में आपका और किस किस से अच्छा बॉन्ड बना? मेरा बॉन्ड बना था, बना है मतलब अंकिता के साथ, बलराज के साथ, सीना के साथ. हाँ मतलब ये लोग जो रोहन प्रीत इंदीप, इन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था. और घर का कोई ऐसा किस्सा जो आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ, ऐसा एक पल? एक इंसिडेंट हुआ था जब शहबाज और पारस की लड़ाई हो गई थी घर में, और शायद हमारा दूसरा या तीसरा दिन ही था. तो मैं हमेशा से जब टीवी पे ये सब चीजें देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, लड़ाई स्क्रिप्टेड होती होगी. बट जब मैंने सामने सामने देखा था, देयर वाज नथिंग दैट वाज स्क्रिप्टेड, जो एकदम क्लियरली सामने हो रहा था. तो वो चीज मैं बहुत डर भी गई थी अंदर, और बहुत हंसने भी आ रहा था कि मैं इतने टाइम से जब से बिग बॉस देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये सब लड़ाइयाँ फेक होती है, सिखाया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वो एक मेमोरी मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी कि ये सब लड़ाइयाँ जेन्युइन है. क्योंकि आपने बिग बॉस की बात कही, तो बिग बॉस 13 में आपका पर्सनल फेवरेट कौन था, आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? मुझे सिद्धार्थ और शहनाज बहुत ज़्यादा पसंद थे पर्सनली आप पूछोगे तो. और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे बहुत पसंद है, पारस पसंद था, माहिरा पसंद है. टुवर्ड्स द एंड जितने भी लोग थे ना, टुवर्ड्स द फिनाले, वो सारे मुझे पसंद थे. शिवानी, अब मुझसे शादी करोगे के बाद, लॉकडाउन के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, अब आगे क्या करने वाली हैं? मैं अभी बस वेट कर रही हूँ कि ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और हम सब सेफ हो जाए. और अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरीथिंग इज क्लोज शट राइट नाउ. तो जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जो जैसा भी आएगा, म्यूजिक वीडियो आएगा, कोई कुछ भी आएगा, तो आई विल श्योरली टेक इट अप. शिवानी, लास्टली आप फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी इस क्वारंटीन और लॉकडाउन के दौरान? यस, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि मैं अपना टाइम खुश रह के एंटरटेन करके खुद को और उनको कर रही हूँ. मैं अपने फैंस के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हूँ ऐसे जिससे वो एंटरटेन हो जाए इस क्वारंटीन में. तो मैं उनको बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब उस चीज को देख के एंटरटेन हो, घर पर रहो प्लीज. कोई भी फेक मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, और क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अभी एक न्यूज सुना जो बांद्रा स्टेशन के बाहर एक बड़ी मॉब जमा हो गई थी, तो मैं वो एक फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से हुआ था. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट फॉलो एनीथिंग दैट इज फॉरवर्डेड ऑन व्हाट्सएप. सिर्फ न्यूज पे देख के उस चीज को माने और घर पे रहे, क्योंकि और कुछ इसका उपाय अभी तक नहीं है, और हमारा घर पे रहना ही हमें बचा सकता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय फैंस एंड ऑल ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग और हियरिंग मी एनीवेयर, प्लीज घर पे रहो, सेफ रहो, और अपने फैमिली को सेफ रखो, और एंटरटेन रहो, खुश रहो, अपने आप में खुश रहो. खुश रहोगे तो आपको ये घर भी जेल नहीं लगेगा, आप खुश रहोगे सर. थैंक यू सो मच शिवानी हमसे बात करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो सुना आप लोगों ने, शिवानी झा के हिसाब से शहनाज गिल 100% जेन्युइन है. शिवानी के हिसाब से शहनाज में एटीट्यूड आ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने बलबूते पर बनाया है, और ऐसे लोगों में एटीट्यूड शिवानी के ओपिनियन से नहीं आ सकता है. फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क.